और चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में बंद रास्तों को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठन ऐसे हैं जिन्हें इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है। 20 अक्टूबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर अब काफी गंभीर और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार की जा रही है। आज जो सुनवाई हुई है उसमें आपको हम बता दें, जो जानकारी है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुल 43 किसान संगठन ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और इनसे जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, कहा था कि आखिरकार वजह क्या है, और इसमें केंद्र सरकार को लेकर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या वजह है कि 10 महीने से रास्ते बंद पड़े हैं, सड़कें जमा हैं, सड़कें पूरी तरह से जाम हैं और उसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आखिर इन बंद रास्तों को खुलवाने की पहल क्यों नहीं की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठन ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किया है। 20 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है। शिवकुमार कक्का हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। शिवकुमार कक्का जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इससे पहले जो तल्ख और तीखी टिप्पणी की गई थी वो आपको पता है, और उसके बाद अब नोटिस आप लोगों को जारी किया गया है, क्या ये जो नोटिस है वो आप तक पहुंच चुका है तो उसमें क्या कहा गया है? जाहिर सी बात है कि आपसे जवाब तलब किया गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आप बताइए भाई क्यों 10 महीने से आपने सड़कों को जाम कर रखा है, क्योंकि आम जन को इससे भारी परेशानी हो रही है। हेलो, हाँ शिवकुमार कक्का जी, आवाज आ रही है आपको हमारी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हाँ आ रही, बताइए जी। जाम क्यों बोल रहा है आपने? आपने सवाल सुना सर मेरा? सुन लिया कि रास्ता जाम क्यों कर रखा है हमने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा जी, और नोटिस भी जारी किया है, 43 किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया गया है, आपकी जानकारी में होगा, क्या है ये आपके संज्ञान में? संज्ञान में है हमारे जी। देखिए, रास्ता हमने नहीं रोका है जी, हम तो दिल्ली के लिए कूच किए, रास्ते में सरकार ने सड़क काट दी, बैरिकेड लगा दिए जी, उसके बाद में बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक सिंगू बॉर्डर के सामने लगा दिए, कटीले तार लगा दिए, लोहे की कीलें लगा दी, वो सब आप लोगों ने देखा है, और आगे से रास्ता बंद कर दिया, पीछे से भी ब्लॉक लगा दिए जी। तो हरियाणा सरकार ने हमको रोक दिया बीच में, अब रोक दिया तो हम कहां जा सकते हैं वहां से? तो हमने कोई अपनी मर्जी से रास्ते नहीं रोके हैं, रास्ते सरकार ने हमको जहां पर रोका वहां हम रुक गए। ये तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीन राज्यों की सरकारें बैठ के आपस में तय करें, तो ये सरकारों को तय करना है नहीं, क्योंकि कक्का जी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जाहिर सी बात है कि अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में भी है, और केंद्र सरकार अगर किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कहती है, आप कहती है कि ठीक है आप अपने आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो सड़कें जाम है उन सड़कों को खाली करना होगा, तो क्या आप उसके लिए तैयार रहेंगे? देखिए, हमने बैठक में इस मामले का जवाब हम देंगे जी। अगर मानव अधिकार देश के बाकी लोगों को है, सरकार को भी मानव अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट है। हम भी तो 700 किसान शहादत दे चुके हैं, 23 जनवरी से सरकार हमसे बात नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना, कहा तो ये जा रहा है ना कक्का साहब कि आप तो पक्षकार ही बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर, आप तो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई देखिए रास्ते हमने रोके नहीं है, रास्ते रोके पुलिस ने, आप पुलिस से जवाब तलब करिए, आप केंद्र सरकार से जवाब तलब करिए, हमारा कोई मतलब ही नहीं इसमें, तो आप तो पक्षकार ही नहीं बनना चाहते, ये भी आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। हाँ तो हम पक्षकार क्यों बने जी, जब हमने रास्ता रोका ही नहीं है, तो जब हम रास्ता नहीं रोक रहे तो हम पक्षकार क्यों बने?
नहीं देखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है सर, और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार भी हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि बार बार फटकार लगाई जा रही है केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और ये कहा जा रहा है कि भाई आप इन रास्तों को क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, क्या वजह है? तो जवाब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे किया जा रहा है, उनसे भी किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार अगर किसी तरह का कोई कदम उठाती है तो क्या उसके लिए तैयार है आप? देखिए, जो कदम उठाएगी एक काल्पनिक प्रश्न है, और जब कदम उठाएगी तो हम संयुक्त मोर्चा की बैठक में वो विषय रखेंगे, वो फिर निर्णय लेंगे हमें क्या करना है। जी हाँ, नहीं वो बात सही है आपकी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एसकेएम की बैठक करेंगे, उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सही बात है ना कि आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है। देखिए, केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है, आपकी ये मांग है कि जब तक कानून आप वापस नहीं लेंगे तब तक हम हटने वाले नहीं है, तो इन सबके बीच अगर कोई पिट रहा है, वो सुना भी होगा सर आपने जो कहते हैं ना कि दो पार्टों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो आम जनता ही पिस रही है, तो इसका तो कहीं ना कहीं आपको भी संज्ञान लेना होगा, इस पर तो आपको भी विचार करना होगा, कभी भारत बंद होता है तो कभी कहीं प्रोटेस्ट होता है, कभी कहीं प्रोटेस्ट होता है, तो ये तो मुश्किल है ना सर? नहीं तो देखिए, हमारा काम है संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना गांधीवादी। हमने बार बार निवेदन किया सबसे कि भैया हम नहीं बैठे हैं, हमको तुमने रोका है, बार बार एक बात तो कह रहे हैं, जब तुमने रोका है तो निकल, विकल्प भी तुम ही तलाशो, बैरिकेड खोल दो, हम आगे निकल जाएंगे, परंतु आप कुछ तो करो, आप आगे भी रोकते हो पीछे भी रोकते हो, उसके बाद ऊपर से कहते हो हमने रास्ता रोका है, तो हमने कहां से रास्ता रोक दिया है? सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के ही जवाब देंगे, हमारे वकील लोग उसमें लगे हुए हैं, वो अपने तैयारी कर रहे हैं कि उसका किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी से बातचीत करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे थे, हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई है, जिसमें याचिका दायर कर बंद रास्तों को खोलने की मांग की गई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया है।